अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज के प्रोग्राम की स्टोरीज। गवर्नर सिंह से अमीर जमात इस्लामी कराची की मुलाकात। मुलाकात में शहर के तरक्याती मनसूबों, मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल, शहर कायद के जारी तरक्याती मनसूबों, मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफद के दीगर अराकीन में मिनम जफर, मुस्लिम परवेज, राजा आरिफ, जाहिद अस्करी और राना अनवर शामिल थे। मुलाकात में कामरान टिसोरी, हाफिज नईम के दरमियान पकौड़े तलने और मेहंदी लगाने पर दिलचस्प गुफ्तगू हुई। कामरान टिसोरी ने कहा कि हमने एजेंडे में पकौड़ा और मेहंदी पर भी गुफ्तगू की है। साथ साथ आज के प्रोग्राम के अंदर ये भी बता दें आपको कि सिंध हुकूमत ने बैरिया टाउन से मलीर हॉल्ट तक पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया है। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस अब बैरिया टाउन से मलीर हॉल्ट के रूट पर भी दस्तियाब होगी। रूट नंबर 2 बैरिया टाउन से बरास्ता टूल प्लाजा से मलीर हॉल्ट पर इख्तिताम पसीर होगा। अब्दुल हलीम शेख जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर बैरिया और मलीर हॉल्ट के दरमियान 13 बसेस चलाई जा रही हैं। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी बजट में मुख्तस रकम 250 अरब रुपये से बढ़ाकर 400 अरब रुपये कर दी है और इकदाम का मकसद मजीद मुस्तहिक खानदानों तक BISP को वसत दी जा सके। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों और बेरोजगारी में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाया गया है। साथ साथ ये भी बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बेसन और खजूर की कीमतों में कमी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से बेसन और खजूर की कीमतें कम कर दी गई हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बेसन की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये कमी की गई है, जबकि 500 ग्राम खजूर के पैकेट पर 10 रुपए की कमी की गई है और नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो चुका है। जबकि इदारा शुमारियात की मुल्क में महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। हालिया हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने बताया है कि मुल्क में महंगाई की सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 44.61% रही है, जबकि हालिया हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया महंगी, 9 सस्ती और 16 की कीमतें मुस्तहकम रिकॉर्ड की गई हैं। जबकि FIA ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी है 2022 की। साल 2022 के दौरान FIA को मुल्क भर से 1,39,000 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत के नतीजे में 24,918 इंक्वायरीज और 6,580 मुकदमात दर्ज किए गए। कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 14,000 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। और साथ साथ ये भी बताएं आज के प्रोग्राम के अंदर के जुमा और यौमुल कुदस रैली के मौके पर एडिशनल IG की हिफाजती इकदामात को ठोस बनाने के अहकाम भी जारी हो गए। नमाज जुमा के मौके पर मसाजिद और इमाम बरगाहों और मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम थानाजात की सतह पर राब्तों के तहत हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। एडिशनल IG ने वाज़ेह अहकाम दिए कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की पार्किंग मसाजिद और इमाम बारगाहों से फासले पर यकीनी बनाई जाए। साथ साथ ये भी आपको बताएं कि नौकरी का झांसा देकर कीनिया से कराची बुलाई गई 2 लड़कियों को पुलिस ने बाजियाब करा के 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 4 माह कबल एक ग्रोह ने कीनिया में 2 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर कराची बुलाया, जबकि ये वजाहत की गई है SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल की जानिब से। अब्दुलरहीम शिराजी ने कहा कि जहां मुलजिमान ने 2 खवातीन को पासपोर्ट अपने कब्जे में लेकर उन्हें एक घर में कैद कर रखा था, मुगवी लड़कियों के घर वालों ने अपने कौंसिल से राब्ता करके तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इतला मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर दोनों लड़कियों को बाजियाब करा लिया है। बहरहाल आगाज कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल रिपोर्टर तारिक काजमी भी मौजूद हैं। बैरिया टाउन से जो मलीर हॉल तक पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह किया गया है, तारिक जानना चाहूंगा पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस की अगर बात करें, अभी गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था कि रूट्स में इजाफा किया जा रहा है, जो मास ट्रांजिट एक प्रोजेक्ट है सिंध के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसमें अब ये इलेक्ट्रिक जो बस है उसको बैरिया टाउन से मलीर हॉल तक भी चलाया जाएगा, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ। देखिए सिंध हुकूमत जो है वो आवाम को खासतौर पर कराची के शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए काफ़ी मुतारिक किरदार अदा कर रही है। इससे कबल जो है वो रेड बस सर्विस चलाई गई, फिर पिंक बस सर्विस चलाई गई, फिर इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाई गई और गुज़िश्ता रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CM सिंध ने बोला कि इलेक्ट्रिक रक्शे और इलेक्ट्रिक बाइक भी जो चलाई जाएंगी, जिसके ऊपर आसान जो है वो कर दिए जाएंगे। पिछले हफ्ते की मैं आपको बात करूंगी, शर्जील इनाम मेमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जो बताया ये कि आवाम को शदीद मुश्किल का सामना है। जो आल आसफ से लेके और बैरिया टाउन और मलीर हॉल्ट तक जो रूट है वहाँ पे बस सर्विस ना चलने का जो है वो आवाम की जानब से जो है वो शिकवा किया जाता है। जो आज जो है वो अपने वादा उन्होंने वफा किया और आज का जो है वो जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है अब्दुल हलीम शेख, उनकी जानब से जो है वो पिंक बस वो इलेक्ट्रिक बस सर्विस का जो है वो बैरिया टाउन में जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। ठीक है, उनकी जानब से मौके पर तैयार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि जो बस टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल है, वो बैरिया टाउन के अंदर बनाया गया है, जिससे जहाँ से जो है वो बस जो है वो चार्ज होगी इलेक्ट्रिक बस
वो वहां से चार्ज हुआ करेगी। अगर मैं आपको रूट्स की बात कर लूँ तो रूट्स के अंदर जो है वो टूल प्लाजा शामिल है, बगैर यूनिवर्सिटी रोड शामिल है, जिना एवेन्यू शामिल है, मलीर कैंट लिंग रोड शामिल है, चेक पोस्ट नंबर 5-6 टंकी चौक मलीर मॉडल कॉलोनी, और यहाँ से होती हुई जो है वो मलीर हॉल्ट पे जो है वो इख्तिताम पदीर होगी जो ये रूट है, ठीक है, जिसका किराया जो है वो 100 रुपए रखा गया है, जबकि जो है वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट ने मजीद मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो है वो 50 बसेस का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अच्छा। जो मुख्तलिफ शहरों पर जो मुख्तलिफ रूट जो कायम किए गए हैं उसके ऊपर जो है वो रवा रवा है, जबकि जो है वो कराची के अंदर तकरीबन जो है वो 10,000 बसेस की जो है वो जरूरत है, जिसके अंदर से जो है वो 300 जो है वो मुतादद अंदाजे के मुताबिक जो है वो काफी जो है वो जरूरियात पूरी हो रही है, जबकि जो है वो अब जो है वो 300 बसेस जो है वो वफाक को देने का कहा है कि वफाक जो है वो 300 बसेस देगा, जिसके बाद जो है वो रूट के ऊपर जो बसेस की तादाद है वो 350 के करीब हो जाएगी। जिसका किराया अगर मैं आपको किराए की बात करूँ, जो ये रूट कायम किया गया है, रूट का जो किराया रखा गया है वो एक स्टॉप हो या जो लास्ट मलीर हॉल का स्टॉप हो बैरिया टाउन से, तो उसका 100 रुपए किराया रखा गया, जिसके अंदर जो है वो बैठने की गुंजाइश की अगर बात कर ली जाए तो 90 से ज्यादा जो है मुसाफिर बासानी जो है उसके अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ टर्मिनल स्कैन किए गए, मुख्तलिफ जो है वो चेकिंग पॉइंट स्कैन किए गए, जहाँ से जो है वो अब बासानी जो है वो मुसाफिर जो है वो टिकट जो है वहां से ले सकते हैं, जिसके बाद जो है वो रूट रूट के ऊपर बस जो है वो रवाना रवाना होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का मजीद कहना है कि वजीर आला सिंह को जो है वो रोज की बुनियाद पे जो है वो रिपोर्ट पेश की जा रही है और बताया जा रहा है कि कितने मुसाफिर हैं अब तक जो है वो जो है वो कितने मुसाफिर जो है वो रोज जो है सफर कर रहे हैं, जो मुश्किल हैं कि वो शिकायती बॉक्स जो है कंप्लेन बॉक्स भी वहाँ पे कायम किए गए, जो शिकायतें हमारे पास मौजूद हो रही हैं इन बसेस से रिलेटेड, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो हल किया जा रहा है। जी ठीक है, एक सवाल ये भी जवाब दीजिएगा कि रूट नंबर 2 जो बैरिया टाउन से बरस्ता टूल प्लाजा से होता हुआ मलीर हॉल तक इख्तिताम पजीर होगा, फिर बीच में जो कराची जो टूल है वो क्रॉस करना होगा, फिर गाड़ियों का रश भी होता है, अगर सुबह 7:30 बजे से रात 9 बजे तक की बात की जाए तो फिर जो वीकेंड्स होते हैं या हफ्ता इतवार होते हैं उसमें टूल पर काफ़ी रश होता है, तो क्या किस तरह से मैनेज किया जाएगा? जी देखिए फिलहाल इसके जो है वो सवाल उनसे किए गए कि जो वीकेंड के ऊपर जो है वो रश जो है वो आवाम का काफी होता है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इजाफी जो रश होगा उसको मैनेज करने के लिए जो जो बैक बैक पे जो बसेस रखी गई हैं उसको भी जो है वो ऑन रूट रखा जाएगा, खासतौर पर जुम्मा हफ्ता और इतवार को जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जबकि तकरीबन कोई 15 बसेस की यहाँ पे बात की गई थी, तो वो उनका कहना ये था कि 18 से 20 बसेस जो है वो लाइनअप करके हम बहुत जल्द जो है वो रूट इस रूट के ऊपर जो है बहुत जल्द जो है वो उतार देंगे। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा, अगली स्टोरी पर बढ़ते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बजट को बढ़ा दिया गया है, 400 अरब रुपये कर दिया गया है, किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा, एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी? जी देखिए बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बताऊं कि शादी अमरी में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बताया कि गुज़िश्ता जो पिछला बजट जो पास किया गया था उसके अंदर जो है वो रकम का इजाफा किया गया था बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर, जो पहले जो बजट रखा गया था जो इमरान जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी उसके अंदर 250 अरब रुपये बजट रखा गया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो उस बजट को बढ़ा के क्योंकि बेरोजगारी की शरह देखते हुए और जो फ्लड रिलीफ के तहत जो है वो बजट जो है वो 400 अरब रुपए कर दिए गए, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिस रकम के अंदर 60% जो है वो इजाफा किया गया है, जिसके अंदर से जो है वो पहले जो है वो 25,000 रुपए के हिसाब से जो है वो 28,000 जो खानदान है उनको जो है वो तमाम उनको जो है वो दिया जा रहा है, जिसके अंदर 70 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जाएंगे, उसके अलावा फी खानदान जो है वो ईंधन सब्सिडी की मद में जो है वो ईंधन सब्सिडी के अंदर जो है वो 16 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, जबकि उसके बाद जो है वो 25% का जो है वो तमाम चीजों के अंदर जो 7,000 रुपए जो महीना दिया जाता था उसके अंदर इजाफा करके अब जो है वो 8,750 रुपए जो है वो रकम कर दी गई है, जो जुलाई से जिनकी जुलाई से लेके और जो है मार्च तक का जो महीना उसके अंदर जो है ये रकम मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि अप्रैल और जून के महीने में जो है वो 9,000 रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे, जबकि जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए जो चल रहे हैं उसके अंदर बताया कि जो है वो 90 लाख खानदान जो है वो इनरोल हुए हैं, जिनके लिए जो है वो वजीफा और तमाम चीजें जो हुनरमंद जो पाकिस्तान के तहत जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर इनरोल है उनको जो बाकी सिलाई सेंटर्स जो चल रहे हैं जो डिस्पेंसरीज चल रही हैं उसके तहत जो है वो 90 लाख खानदान जो है वहाँ पे अब इनरोल हुए हैं, जिनकी तादाद बढ़ा दी गई है, पहले ये तादाद बताई जा रही थी 46 लाख तादाद थी, अब जो है वो बढ़ा दी गई है तो जो है वो 90 लाख की तादाद हो गई, जबकि जो वजीफा दिया जाता था जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके अंदर जो वजीफा दिया जाता था तलबा और तालबात को वो 71 लाख पहले था, लेकिन अब जो है वो तकरीबन जो है वो 90 लाख जो है वो वजीफा कर दिया गया, जिसके और जो डिस्पेंसरीज थी उसके अंदर पहले बताया जाता था कि 5,10,000 लोग जो है वो इनरोल थे, अब बताया जा रहा है कि जो है वो उसके अंदर जो है वो
10,06,000 जो है वो इनरोल करने की जो है वो परमिशन दे दी गई है, जबकि 447 जो है वो नए मराकज जो है काम कायम किए जाएंगे, जो डिस्पेंसरीज हैं जो सेहत की सहूलियात जो है वो आवाम को फराहम करेंगे। ठीक है, इस हवाले से माजी में भी देखा गया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि कुछ लोग बेवकूफ़ बनाया करते थे, ख़ासतौर पे इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर उसकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है, क्योंकि अब तो ये बजट बढ़ा दिया गया है लोगों की कफालत के लिए, जो ख़ानदान है वो मज़ीद इसमें शामिल किए जा रहे हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई निज़ाम मरबूत बनाया गया है? आज ही देखिए बिलाल, इससे पहले भी जो है ये बाजगश सुनाई दी थी, जो है आवाम जो है सादा लो आवाम को जो है वो स्कैम के जरिए जो है उनसे रकम ली जाती थी और 7,000 रुपए 8,000 रुपए रजिस्ट्रेशन की मद में जो है वो हासिल किए जाते थे। आज शाजी मरीज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आवाम को जो है ये आगाह किया कि जो BISPS की जो तहसील के दफ्तर हैं, जो उनके जिलों के दफ्तर हैं, सिर्फ उनके जरिए जो है वो तमाम चीजें जो है प्रोवाइड की जाएंगी, जबकि एक SMS सर्विस नंबर 8300 जो है वो कायम कर दिए गए, जहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिख के भेजेंगे तो वहां से कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद जो है वो आप अपने तहसील दफ्तर से जो है वो रब्ता करके वहां से वो एक कोड जनरेटेड कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो इमदाद डोनेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। और हमने देखा कि जो बहरिया टाउन से मरीन हॉल्ट तक एक नया रूट मुतारिफ़ कराया गया है पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए, तो अब देखा ये जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया गया इसको, लेकिन अब कुछ बेहतरी जो है वो उसकी उम्मीद नज़र आ रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर नए रूट्स मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं। साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें भी बजट बढ़ाने के लिए ये फ़ैसला तब किया गया था जब सैलाब मुतासरीन जो लोग थे उनकी किफ़ालत के लिए इंतहाई अहम ये जो समझा जा रहा था। बहरहाल जो इदारे शुमारियात की मुल्क भर में महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट है वो आप लोगों से हम शेयर कर देते हैं कि हालिया हफ्ते 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और मुल्क में महंगाई की सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 44.61% रही है। हालिया हफ्ते में 26 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई हैं, 9 सस्ती हुई हैं और 16 की कीमतें मुस्तहकम रिकॉर्ड की गई हैं। और हालिया हफ्ते के दौरान 44,175 रुपये माहाना से ज़ायद आमदनी रखने वाला तबका महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इदारे शुमारियत ने वाज़ेह किया है कि हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह 0.60% कमी हुई है। एक हफ्ते के दौरान चीनी, बीफ, मटन, गुड़, चिकन, चावल, खुला ताज़ा दूध और दही समेत 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हफ्तावार बुनियादों पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलू 8.59%, अंडे 2.65%, LPG 4.47% महंगे हुए हैं। साथ साथ ये भी बताते चले आपको कि चिकन 2.19%, वॉशिंग सोप 1.83%, केले 1.64%, दाल माश 1.45% और गुड़ 1.25% महंगे हुए हैं। और टमाटर की अगर बात की जाए जो कि एक मौजू जेर बहस बना रहा माजी के अंदर भी, 22.43%, प्याज 15.85%, दाल मूंग 0.35%, दाल चना 0.82% और आटा 2.75% सस्ता हुआ है। सरसों के तेल की बात की जाए तो 0.09% और लहसुन 1.29% सस्ता हुआ है। ये थी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जिसके अंदर ये वाजे किया गया है कि कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं। 26 अशिया जो है वो महंगी हुई हैं और कुछ अशिया जो सस्ती होती हैं वो भी आपको हमेशा बताते हैं। ये थी आज की जो है वो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।